11 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को दिखा दी है भारत की ताकत। उन्हें समझा दिया है कि अब भारत को पछाड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है। अब कोई भी सुपर शक्ति ऐसी नहीं है जिससे भारत घबराए। नरेंद्र मोदी के राज में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और चलना भी सीख गया है। ऐसे में अगर कोई भारत को ध्वस देना चाहे तो नहीं दे सकता, भारत को नीचा दिखाना चाहे तो नहीं दिखा सकता, भारत पर रौब भी नहीं झाड़ सकता, क्योंकि साहब वो दिन अब लद चुके हैं। भारत अपने आप में एक शक्ति का समूह है जिसको हर कोई अपने साथ लेने को बेकरार है। भारत जितनी तेजी से और जितनी स्थिरता से संतुलन के साथ बढ़ रहा है, उससे हर कोई भारत की तारीफ किए बगैर खुद को रोक नहीं पा रहा। और इस सब में बहुत बड़ा योगदान रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। उन्होंने भारत का विरोध करने वालों को ऐसी कड़वी डोज दी है कि सभी के मुंह का स्वाद खराब हो गया है। यूक्रेन रूस के बीच जंग को लेकर रूस को तो नसीहत पहले ही दे दी गई थी, साथ ही अमेरिका के पाखंड का भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इलाज कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात से पहले उन्होंने पाकिस्तान को यूएस की तरफ से दिए गए F-16 के अपग्रेडेशन को लेकर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की है। विदेश मंत्री ने साफ साफ लफ्जों में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर F-16 फाइटर जेट देकर आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। जयशंकर ने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर आईना देखने की सलाह दी है। टुडे आई कैन से बाय एंड लार्ज देयर इज अ बाइपार्टिसन व्यू ऑफ इंडिया। It's not that one party is strongly for and another is against it. And to a large extent, politics is also very individual. So some leaders, some prominent figures in each party would take more interest. Others may not take the same level of interest. So I would attach no sense of partisanship at all when it comes to India. The second question, really the number of the question, which is in a sense the U.S. Relationship with Pakistan and the military relationship that the U.S. has had. Now you all know that this is not something of recent making, it has gone for many years. And you also know that very honestly it's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well, not serving American interests well. सुना आपने किस तरह से जयशंकर ने अमेरिका में ही होकर अमेरिका की ही बखिया उधेड़ दी। जयशंकर कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के रिश्ते अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करते। आज अमेरिका को इस रिश्ते की मेरिट के बारे में सोचना चाहिए कि उसे इससे क्या मिला। आप काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं और जब F-16 जैसी क्षमताओं वाले एयरक्राफ्ट की बात हो जिसे हर कोई जानता है, आप जानते हैं कि उन्हें कहां तैनात किया गया है और उनका इस्तेमाल क्या है। आप ऐसी बातों को कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना रहे। इस तरह जयशंकर ने आतंकरोधी अभियान के नाम पर पाकिस्तान को दिए गए अमेरिका के F-16 पैकेज पर वॉशिंगटन के पाखंड की बखिया उधेड़ दी। दरअसल अमेरिका वैसे तो पाकिस्तान का विरोध करता है, आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का विरोध करता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े होने का दम भी भरता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके F-16 बेड़े के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए $45 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। 7 सितंबर को अमेरिका ने यह ऐलान किया है जो कि पिछली ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ था, जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद को ये कहकर सस्पेंड कर दिया गया था कि वो अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह है। 11 सितंबर को हालांकि अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने विरोध जताया था। 14 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन को भारत की चिंताओं की जानकारी दी थी। 22 सितंबर को अमेरिका को सफाई देनी पड़ी थी कि F-16 के कलपुर्जे और उपकरण बेचे जाने को भारत के लिए संदेश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य काउंटर टेररिज्म और न्यूक्लियर सिक्योरिटी है। इसी बात को लेकर फिर रविवार को एस जयशंकर ने अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई। इससे पहले तो भारत ने अपने दोस्त रूस को भी नसीहत दे दी थी। SCO मीटिंग में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त पुतिन की आंखों में आंखें डालकर उनसे विचार करने के लिए कहा था, यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म कर शांति स्थापित करने को लेकर विचार करने की सलाह दी थी, जिसके लिए पीएम मोदी की विश्व भर में तारीफ भी हुई थी। और रविवार को बारी थी अमेरिका की, जो शायद ये सोचता होगा कि भारत अभी भी मुंह दाबे मुंह छिपाए जो हो रहा है देखता रहेगा, कुछ कहेगा नहीं। तभी तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया, बल्कि
पूछ ही लिया कि अमेरिका आखिर किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को भारतीय अमेरिकी समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत कर ढंग से अमेरिका को आईना दिखा दिया है। वैसे एस जयशंकर के अमेरिका में दिख रहे अंदाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से विदेश मंत्री तबीयत से अमेरिका को खरी खोटी सुना रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।